चैनल एंजॉय इन्फो, आपने ये लैपटॉप देखा है जो HP Elitebook 850G0 प्रॉब्लम आपने स्क्रीन पे देख लिया कि इसकी जो LED है मुसलसल ब्लिंक कर रही है, सेकंड LED पे बिल्कुल डिस्प्ले ओके है। हमने क्या किया है कि पुरानी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने जो वीडियो पहले बनाई थी इसकी हमने रैमें साफ़ करके 1x1 लगाई हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम है कि वो LED ब्लिंक करती है लेकिन सेकंड LED पे डिस्प्ले बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमने इस लैपटॉप का क्या किया है, रिपेयरिंग पर्सन से पूछा तो वो कह रहे थे कि इसकी LED का मसला है। LED क्या होगी कि इसकी जो LED की डिस्प्ले केबल है वो डेड अप्रूवल पर रिपेयर होगी, या LED का जो पावर कार्ड होता है जो कि LED के बैक साइड पर पावर जम्पर्स लगे होते हैं, या जहाँ पर LED की 40 या 30 पिन केबल लगती है वो ख़राब होगा, वो कहते हैं वो रिपेयर होगा। लेकिन हमने उससे पहले क्या किया कि इस लैपटॉप की जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस लैपटॉप की कंप्लीट हमने विंडोज़ की है। विंडोज़ करके यूज़र जब डेस्कटॉप पे आए हैं तो यहाँ पे आप देखें कि इसकी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हमने इसके ड्राइवर भी डिसेबल अनेबल करके देखे थे लेकिन फिर भी कोई ऐसा मसला मतलब रिजॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसकी विंडोज़ कम्प्लीट की है, न्यू विंडोज़ इंस्टॉल की है और जो इसकी ब्लिंकिंग प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल सेट हो गई है। यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमने सेकंड LED पे यहाँ पे आप देखें तो कोई हमने डिस्प्ले नहीं दिया। इसी LED के ऊपर यही लैपटॉप आपने पहले देखा है जो कि ब्लिंक कर रहा था, यही मॉडल है यहाँ पे ये देख रहे हैं सेम लैपटॉप, और पहले यहाँ पे क्या था कि इसी लैपटॉप के यहाँ पे मुसलसल ब्लिंक कर रही थी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है कि जो कि मुसलसल आपकी LED ब्लिंक कर रही हो और रैम साफ़ करने के बाद भी वो जो आपने देखा है स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे जो कलर मिक्स हो रहे हैं वो भी हो रहे हो, तो आप एक बार रैम को भी साफ़ कर लें, और सेकंड अगर ब्लिंक कर रही है LED या यहाँ पे प्रेस होके मसला हल हो रहा है तो फिर तो आपकी LED की पावर का मसला है, पावर कार्ड का मसला है। यहाँ पे अक्सर पावर कार्ड लगा होता है, अगर यहाँ पे हल मसलन के प्रेस करने के बाद भी वो नहीं मसलन के यहाँ पे ये मसलसल ब्लिंक कर रही है तो एक बार विंडोज़ भी करके देख लें, क्योंकि बाज़ का ये विंडोज़ का भी मसला होता है। अगर विंडोज़ करने के बाद भी अगर ना मसला लो तो फिर आपको ये डिस्प्ले केबल का ही मसला करवाना पड़ेगा, या जो पावर LED का जो यहाँ पे LED के बैक साइड पे पावर जम्पर्स भी लगे होते हैं पूरा पावर पैनल, या फिर उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो वीडियो मेरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस लैपटॉप का जो मसला हमने निकाला है, जो रिजॉल्व किया है हमने, वो यही है कि इसकी सिर्फ और सिर्फ जो पावर LED जो ब्लिंक कर रही थी उसका जो मसला निकला था, जो इशू था, वो सिर्फ विंडो का इशू था। न्यू विंडो की है, मसला हल हो गया। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।